हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्लास टेंथ के छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर प्रथम सावधिक परीक्षा यानी कि फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम के मैथ का ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूँ और ये 100% ओरिजिनल पेपर है आपका। कल के परीक्षा में यही देखने को मिलेगा। तो सभी विद्यार्थी एक एक करके वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। 1 से लेकर 30 प्रश्न दिया हुआ है जिनमें आपको 25 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए पहले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया गया है। यदि दो संख्याओं का लसा और मसा इतना इतना दिया हुआ है तो उसका गुणनफल क्या होगा? तो क्या करेंगे, लसा और मसा दिया हुआ है तो गुणनफल की बात किया गया है, दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे यानी कि 182 और गुने 13 करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 2366। क्या निकलेगा? 2366 निकलेगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि डी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बात किया जाए, दोनों प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा आवाज़ युग में है? ठीक है, वैसी संख्या जो है ना सिर्फ अकेले कटे, जैसे है ना 18 और 25 को ले लेंगे तो ये 3 से कटेगा बट ये नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तीनों प्रश्न देख लीजिए, कहता है 156 का अभाज्य खंड करेंगे तो इसका फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो फैक्टर तोड़ना पड़ेगा, तो 156 कर देंगे और इस तरह से फैक्टर तोड़ लेंगे। ठीक है, तो 2 सलाएंगे, 7 मरते 8 मरते फिर 2 सलाएंगे तो ये हो जाएगा 36, फिर नहीं 39 हो जाएगा, फिर 3 सलाएंगे तो 13 3 39, मतलब 2 के पावर 2 गुने, उसके बाद 3 गुने, उसके बाद 13, तो इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया है तो मतलब ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जो ना यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया वो रॉन्ग दिया गया है, तो इसका आंसर गलत है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की बात किया जाए, अगला प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यहाँ पर गौर से देखिए, निम्नलिखित बहुपद तो यानी कि द्विघात बहुपद जो है ना ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल क्या होगा? ठीक है, मतलब तो है योगफल की बात किया गया है, तो योगफल जो है ना -b/a तो है, ये फॉर्मूला पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, 6x² - 7x - 3 के शून्य क्या होगा? तो गुना करने पर 6 3 18 - 18 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर -7 आना चाहिए। ऐसा संख्या तोड़ेंगे जो गुना करने पर 18 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 7 आए, तो ये आपको बना देना। ठीक है, तो देखिए 9 2 18 होता है, 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, तो ये 9 माइनस में और प्लस में 2 रखेंगे और क्या करेंगे, इसका कॉमन आएगा, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन में यानी कि ये होगा, या 5 का क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3/2 - 6/3 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा राइट आंसर। 6वां प्रश्न है, x³ + y³। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, ये 9th क्लास का क्वेश्चन दे दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो 6 का राइट आंसर बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, sin θ = क्या होता है? तो sin θ = क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण का कहने का मतलब ये हुआ कि 7 का यानी कि p/h होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बात किया जाए तो 8वां प्रश्न आ चुका है, कहता है cos θ = 12/13 दे चुका है, तो कहता है sin θ का मान क्या होगा? ठीक है, तो cos θ का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार और कर्ण का मान दिया हुआ है, लंब का मान निकालेंगे, लंब का मान निकल के निकल जाएगा, तो हमारा जो है ना यहाँ पर cos θ, अब sin θ का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब का मान कर्ण का मान आधार का मान जब निकल जाएगा मान रखेंगे आंसर निकल जाएगा, तो इसका राइट मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, 8 का राइट आंसर बिल्कुल जो है ना 5/13 हो जाएगा। क्या होगा, 5/13 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे और 13 का स्क्वायर करेंगे, तो यानी कि 13 का स्क्वायर - 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट अंडर लगा देंगे, तो 12 का स्क्वायर जो ना वो कितना होता है, 169 होता है। ठीक है, रूट अंडर, उसके बाद जो ना 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, 144 होता है। ठीक है, अब जब नहीं जब क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, ठीक है, दोनों को घटा देंगे तो मार निकल जाएगा। ठीक है, तो यह निकलेगा 25, अब 25 का 5 होता है और आपको कर्ण दिया हुआ 13, तो 5/13 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आ चुका है, कहता है sin θ = cos θ है, तो θ का मान क्या होगा? ठीक है, तो sin θ का ऐसा मान रखना है जो cos θ के बराबर हो, तो sin 45° और cos 45° का मान बिल्कुल बराबर होता है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन और बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, sin θ का sin 67° / cos 23°। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको चेंज कीजिए, नहीं तो इसको चेंज कीजिए, कोनों में से एक चेंज करना है, तो साइन
90 माइनस थीटा बराबर लगाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये कॉस हो गया, ये भी कॉस हो गया, कॉस कॉस कट जाएगा तो एक बचेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा राइट आंसर, ठीक है। सबका मैं PDF बता दूंगा कहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का भी आंसर डाउनलोड करना सिखा दूंगा, ठीक है। कहता है साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान कॉस 30 डिग्री के बराबर होता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न आ चुका है। 12वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है मूल बिंदु से इतना जो है ना दूरी क्या होगा, ठीक है। तो जब दो मान दिया रहेगा तो ये एक्स है ये वाई है, अब फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर रूट अंडर में, और ये दोनों मान रखेंगे, दोनों मान रखेंगे इसमें और स्क्वायर करेंगे और रूट अंडर से बाहर निकालेंगे, तो बिल्कुल 12 का राइट आंसर ऑप्शन, यानी कि क्या निकलेगा, 5 का ही निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 13वां प्रश्न आ चुका है, कहता है बिंदु ए कॉमा बी तथा माइनस सी कॉमा माइनस बी के बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र का फॉर्मूला था x2 माइनस x1 और उसका रूट अंडर, उसके बाद जो ना प्लस में उसका होल स्क्वायर, उसके बाद जो ना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लगा देंगे, ठीक है। ये इसमें बैठाएंगे मान, हमारा मान निकल जाएगा। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बिल्कुल सही होगा, यानी कि बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, यानी कि दो रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए, तो 14वां प्रश्न कहता है यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया हुआ है तो ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपका, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, उसके अनुसार जो ना कर्म के आधार पर निकाल देंगे, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन, यानी कि ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 15वां प्रश्न आ चुका है, कहता है रैखिक समीकरण के युग्म इतना इतना दिया हुआ है, कहता आदित्य हल होगा, तो आदित्य हल के लिए फॉर्मूला क्या था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यह आदित्य हल के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कहाँ जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन और बी होगा राइट आंसर, ऑप्शन और बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 16वां प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, कहता है समीकरण 2x + 3y = 13, यदि x का मान 2 हो तो y का मान क्या होगा, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया, 2x, गौर से देखिए समझा दे रहा हूँ, 2x + 3y = 13 दिया हुआ है, ठीक है, 13, ठीक है। कहता है x का मान 2 है, ठीक है, x का मान क्या है, 2 है, तो 2 × 2 और उसके बाद जो ना + 3y = 13, ठीक है। 2 × 4 हो जाएगा, 13 में 4 गया 9 बच गया, अब 3 के 12 में 9 क्या मरता आता है, 3 मरता आता है, कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा, ठीक है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। 17वां प्रश्न, कार्तीय तल में x और x अक्ष पर y अक्ष का नियामक क्या होता है, तो x अक्ष पर y अक्ष का नियामक जो ना x का अक्ष का जो तल होता है x = 0 होता है, ठीक है। तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, y अक्ष का मान क्या है, 0 आया, तो ऑप्शन यानी कि c होगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर c। 17वां प्रश्न, किस प्रकार की सभी त्रिभुजें समरूप होती है, तो समबाहु त्रिभुज जो ना बिल्कुल यानी कि सभी जो है समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण का मान जो है वो समरूप होता है, ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर b होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न देख लिए, कहता है कौन सी ज्यामितीय आकृति समरूप नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए सभी आयत जो है ना समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर d हो, यानी कि सही है, सभी आयत समरूप होते हैं, सभी आयत जो है ना समरूप नहीं होते, ठीक है, ये आपसे पूछा है। 20वां प्रश्न कहता है रैखिक समीकरण के युग में इतना दिया हुआ है, कहता है इसका हल हो गए, तो जब a1/a2 = b1/b2 c1/c2 का मान जब निकालेंगे तो प्यारे बच्चों डायरेक्ट हमारा आंसर निकलेगा, ठीक है। और आंसर हम देखेंगे तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर यानी कि अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा चेला राइट आंसर, ठीक है। सभी विद्यार्थी एक एक करके जुड़ जाइए, समझिए। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं, कहता है x और y में दो रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं हो तो उनके लिए क्या होगा, जब रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं हो वो कहलाता है समांतर, क्या कहलाता है समांतर, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। कहता है यहाँ पर देखिए गौर से देखिए, 22वां प्रश्न है 3x² - 9x के शून्य क्या होगा, तो देखिए 3x² दिया हुआ माइनस 9x का शून्य निकालने के लिए बोला है तो 0 लिख देंगे, अभी यहाँ पर कॉमन आने वाला है 3, तो यहाँ पर ले जाएगा x² 3x कॉमन लेंगे, x² माइनस में 3 के बराबर 9 आता है और यहाँ पर ना बराबर 0, तो यहाँ पर 1 * 0 इसको हो जाएगा, 1 * 0 इसको आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर x से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर जो है निकलेगा 3 और x बराबर लिखेगा 0, ठीक है। तो 3, 0 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23वां प्रश्न है 12 और 20 से लसा और मसा का योगफल क्या होगा, तो इसका लसा और मसा जब निकालेंगे
उसका योगफल करेंगे तो जोड़ कर देंगे, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा, राइट आंसर, ठीक है, चला राइट आंसर ऑप्शन बी। 24 नंबर प्रश्न चला यहाँ पर दिया हुआ है, कहता है ए कॉमा बी अल्फा, सॉरी अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा में दिया हुआ इतना इतना इतना, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, इस तरह से दिया हुआ है, उसके शून्य क्या होगा, तो अल्फा बीटा गामा यहाँ पर शून्य पूछ रहा है, ठीक है, शून्य अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है ये फॉर्मूला पूछा है, तो इसका आंसर देखने की कोशिश करेंगे। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि माइनस डी बाई ए होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, माइनस 3.5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो जानते हैं कि इस तरह से हम चतुर्थांश बनाते हैं, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, चतुर्थी चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो कहता है माइनस है, पहला में माइनस दिया हुआ है, दूसरा में प्लस दिया हुआ है, ठीक है, तो माइनस प्लस किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है, चला इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न कहता है, दिए गए धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए दो अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर प्राप्तांक हो, ठीक है, तो जिसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो जहाँ आर का मान क्या होगा, तो देखिए कभी भी जहाँ आर निकालना है तो आर का मतलब क्या होता है, शेषफल, आर का मतलब क्या होता है, शेषफल, अब शेषफल का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको जानना ज़रूरी है, उसके अनुसार ही मान निकलेगा, ठीक है। तो देखिए इसको जब हम निकालेंगे तो क्या जीरो के बराबर आर का मान होता है या आर का मान बी से छोटा होता है, ऐसे होता है क्या, ऐसे होता है नहीं, कैसे होता है, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है प्यारे छो, ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा राइट आंसर, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न, पाई क्या है, तो आप जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है और इसका मान जो होता है वो 22/7, ये 22/7 सिर्फ परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए, सबसे छोटी आवाज संख्या तथा सबसे छोटी सम संख्या का गुणनफल क्या होगा, ठीक है, तो सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है और सबसे छोटी सम संख्या 2 है, इन दोनों का गुणनफल 4 होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि 28 का सी होगा राइट आंसर, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं प्यारा छो, 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है इसको समझते हैं, 29 नंबर प्रश्न आ चुका है, 1/√7 और उसके बाद जो ना इसका मान क्या होगा, ठीक है, तो 1/√7 दिया हुआ, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या, तो नीचे दिया रहेगा ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है, 1/7 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया रहेगा या डी में दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा आप आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों आप बात कर लिया जाए इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का आंसर की कहाँ से देख सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले गूगल में जाएंगे, सबसे पहले गूगल में जाने के बाद जो इस चैनल का नाम है आपको सर्च करना है पॉइंट ऑफ स्टडी एसटीएम, ठीक है, जैसे सर्च कीजिएगा पॉइंट ऑफ स्टडी एसटीएम, यहाँ लिखा हुआ पॉइंट ऑफ स्टडी एसटीएम.com, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे बढ़ेंगे और क्लास 10th वाले सेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है, क्लास 10th वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए आपको लिखा रहेगा मैथ, मैथ के सामने लिखा हुआ क्लिक हियर, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके लिए अपडेट कर दिया गया है 27 अगस्त का, लूट लो आकर जल्दी जल्दी, नीचे बढ़ेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर पूरा अपडेट कर दिया है, गौर से देखिए 3 नंबर प्रश्न का जवाब गलत था इसलिए मैं यहाँ पर अपडेट नहीं किया हूँ, ठीक है, बाकी बात सब अपडेट कर दिया गया, नीचे बढ़ेंगे सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक कीजिएगा, क्वेश्चन पेपर के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।